हेलो फ्रेंड्स, आज मैं खोआ मगज का पाक बनाने जा रही हूँ, या बर्फी कह सकते हैं आप। उसके लिए 150 ग्राम मिगी, 50 ग्राम खोआ, 100 ग्राम शुगर, 100 ग्राम वाटर और थोड़ा सा कट पिस्ता बादाम। शुगर और पानी, वाटर का हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी एक तार की होनी चाहिए, वो बाद में बताऊँगी। पहले हम बीज को रोस्ट करना है, वो बता रहे हैं। उसके बाद आगे का रेसिपी बताती हूँ। अब हम इसको तेज गैस पर 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। जब ये चटकने लगेंगे उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। 1 मिनट में ही ये चटकने लगेंगे, बिना घी के ये रोस्ट करना है। 1 मिनट में ये रोस्ट हो जाएंगे। देखिए, इसमें चटकने की आवाज़ आने लगी है और ये रोस्ट हो गए हैं। अब हम गैस बंद करेंगे। देखिए ये रोस्ट हो, अब इनको हम मिक्सी के जार में या चॉपर में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा महीन नहीं करना। अगर आपको थोड़ा महीन करना है तो उसको आप कर सकते हैं। मुझे थोड़ा दरदरा चाहिए तो मैं इस चॉपर में थोड़ा क्रश कर दूंगी इसको, क्योंकि साबुत मिक्सी का ही अच्छी तरह से नहीं बनेगा। देखिए ये दरदरा हो गया है थोड़ा सा। अब इसको एक साइड रख देंगे और चाशनी रेडी करेंगे। अब हम चाशनी रेडी करेंगे, उसके लिए पानी डालेंगे इसमें, जो एक कप लिया हुआ चीनी डालेंगे, जो एक कप ली गई है, और इसको पकाएंगे जब तक इसका एक तार नहीं हो जाता है। चीनी जब तक पूरी तरह से घुल नहीं जाए, जब तक चलाते रहना है, नहीं तो चीनी पैन में लग सकती है। देखिए इसने पैन छोड़ दिया है, परफेक्ट हो गई है। अब इसको हमने जो ग्रीस की है ट्रे, घी से करनी है ट्रे ग्रीस, उस पर हम डाल देंगे। देखिए बिल्कुल उस पर से हट गया है।
अब इसको फटाफट से जल्दी से इसको फैला देंगे। आपको बर्फ़ी की थिकनेस या पाक की थिकनेस जितना रखनी है, मोटी पतली अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं मीडियम रख रही हूँ, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट लगा देंगे, ये ऑप्शनल है लेकिन इसे लगा के बर्फ़ी देखने में अच्छी लगती है। अगर आपके पास सिल्वर बर्फ हो, जैसे सिल्वर लीव्स कहते हैं चांदी की बर्फ, वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। देखिए हमारी बर्फ़ी रेडी है, देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास बर्फ़ी बनी है। अभी मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। इसके पीसेस आपको स्क्वायर काटने हैं स्क्वायर काट लीजिए, आपको जिस शेप में काटना है ट्रायंगल शेप में काटना है ट्रायंगल शेप में काट लीजिए, जिसमें आपका मन हो उसमें आप काट लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। अब ये ठंडा हो गया, मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए बर्फी रेडी है, ठंडी होने के बाद ये और जम जाएगी। इस तरह से बर्फी के पीस काट के ठंडा होने के बाद इसको अलग कर लीजिए। बस इसमें एक चीज़ रखिए, नीचे का जो ट्रे है उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। चाशनी एक तार का होने के बाद ही उसमें खोआ डालना है और उसको अच्छे से पकाना है, वो पैन अच्छी तरह से छोड़ दे तब इसको ट्रे में सेट करके ठंडा होकर काट देना है। और टेस्टी होती है, इसको आप बना के देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिए, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।